भले ही आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर कोई खास करिश्मा न कर पाई हो, पर पार्टी के लोग लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी मुरादाबाद इकाई की एक बैठक का आयोजन किया गया। चंद्रनगर में हुई इस बैठक में कहा गया कि शहर के साथ साथ पार्टी को तहसील पर भी मजबूत करना चाहिए। इसी को लेकर जुबैर अहमद को कुंदरगी में कार्यवाहक के तौर पर मनोनीत किया है। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी को हर हाल में मजबूत करेंगे। हमारे जो जिले की कमेटी है उसका गठन हुआ है और जिसमें हमने समस्त पदाधिकारियों का गठन कर दिया गया है और सबको आपको सूची भेज दी जाएगी। और हमने आज जो योगी सरकार ने जब से आई है 8 महीने से, इन्होंने बिजली के दाम 3 बार बढ़ा दिए, उसके हमने आज सब यात्रा निकाली थी इस पावर हाउस से चंद्रनगर का, इस तक अपना प्रदर्शन किया था। और हमने जिला मुरादाबाद के अंदर विधानसभा कुंदरगी के अध्यक्ष नियुक्त किए और बिलारी के, इनका नाम जुबेर अहमद है, उनका नाम है गंगा प्रसाद उपटुनिया, वो बिलारी विधानसभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और बहुत तेज़ी से हमारे इस संगठन का काम आगे बढ़ गया और इस जिले में हम पूरे संगठन को बहुत जल्दी अतिशीघ्र खड़ा कर देंगे। बिजली विभाग के प्रति इतनी नाराजगी आपकी है, क्या मामला है? नहीं, ऐसा है, पहले बिल जो हमारे आते थे वो कम है, अब इन्होंने 100% तक बढ़ा दिए बिजली के दाम। और दिल्ली की सरकार ने 2.5 रुपये प्रति यूनिट देती है और यहाँ की सरकार 7 रुपये यूनिट देती है। वहाँ 2.5 रुपये क्यों हो रही है जबकि बिजली वो खरीदती है और ये बिजली खुद स्वयं भी बनाते हैं, फिर भी इतने दाम क्यों हैं? इसका हम पूरी जनता में विरोध कर रहे हैं और करवा रहे हैं, अब प्रदर्शन कर रहे हैं बार बार के भाई कीमतों को ना बढ़ाया जाए। तो इस प्रदर्शन में आज आपने क्या किया? आज हमने अपने कार्यालय से सब यात्रा निकाली बिजली विभाग की, और बिजली विभाग का जो चंद्रनगर में पावर हाउस सब स्टेशन है उस पर प्रदर्शन किया और अपनी आवाज़ बुलंद की। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करें? आगे हम आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। नारा है हमारा, चलता है जनता का दिल, वापिस लो बिजली के बिल।